Measles outbreak at Semkhar in Dimahasaw claim 4 lives. At least 60 to 70 children in age group of 1 to 8 years have been diagnosed with measles over the past few weeks at Semkhar village in Dimahasaw. 4 child have died in the village due to some complication, though they were not brought at hospital, but is suspected a measles cases since children around the village have been diagnosed with measles. A team of doctors has been constantly visiting the village for treatment of the infected children. Doctors said the causes might be due to avoidance of vaccines by the villagers. यहाँ पे बहुत सारा केसेस आ रहा था माईबांग हॉस्पिटल में, फीवर विथ रैश, जो खुजली वगैरह फीवर के साथ में, तो 2-3 केस मीजल्स जैसा लगा, इसलिए हम चेक करने के लिए अभी आए. अभी वैक्सीनेशन वगैरह वो सब स्टेटस चेक किया, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ताकि इसका कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सके. मीजल्स तो ऐसे खुद सेल्फ रिकवरी हो जाता है, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन से ही ज़्यादा डेथ होता है, वो उसी के लिए हम लोग टेंशन में थे, तो उसके लिए आके आज कैंपेन किया. और ज़्यादातर बच्चे मीजल्स होके सर्दी खांसी, जो कि उसका कॉम्प्लिकेशन है, डायरिया, कान दर्द, ये सब कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट मिले, जो उनको दवाई दिया आज, एंटीबायोटिक वगैरह, ताकि कॉम्प्लिकेशन से उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो. ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो 1 to 5 ईयर्स के बीच में हैं, लगभग सबको जो सर्दी खांसी है मीजल्स के बाद ही हुआ है, देखने में तो ऐसा ही है. कुछ कुछ लोग रिकवरी कर रहे हैं, फीवर कुछ कुछ का फीवर अभी भी है, साथ में सर्दी है, किसी किसी का डायरिया है. एक डेथ सुना था मैंने, पर ऐसा कम कंफर्म नहीं बोल सकते मीजल्स से, क्योंकि दूसरा कुछ भी हो सकता है, ब्लड रिपोर्ट वगैरह लगेगा कंफर्म करने के लिए. मीजल्स ही है, उसके वजह से ही डेथ हुआ है, ऐसा तभी रिपोर्ट लगेगा. लेकिन सुना है आपने? हाँ, इसी एरिया पे? हाँ, सेमखोर एरिया में एक का डेथ हुआ ऐसा सुना है. प्लस वो रिपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं आया, घर में ही रहा बच्चा, तो किस तरीके से डेथ हुआ वो पता नहीं चल पाया, एक्चुअल कॉज क्या हुआ. आज सेमखोर 6 में हमारे SDMO मैम डॉक्टर रश्मि होजाई वो गए, मैं इधर जॉयब्रा में आया हूँ, और सब सेंटर तरफ में भी उन लोग सेमखोर 1 सेमखोर 3 में भी गए, जहाँ जहाँ ज़्यादा मिला है हमको केसेस. हाँ, हमारे MSC हीरोजीत जिदुंग वो जीदी वो भी आए हैं इधर में, उन्होंने भी पेशेंट लोग के साथ में बात किया और देखा क्या क्या इधर ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, और हमसे बात किया क्या कर सकते हैं मेडिकल टीम के साथ में मिलके, तो आगे देखेंगे क्या करेंगे. Doctors further said that people of the village have been avoiding vaccines since the villagers don't understand, hindering to aware them the benefit of taking vaccines in time. Further said that blood samples of the patient have been collected and sent to Haflong Civil Hospital for examination. ये तो वायरल है, प्लस ये बच्चे का न्यूबॉर्न का डिजीज़ है, तो इसमें वैक्सीनेशन ही सबसे बेस्ट है. वैक्सीनेशन लेके रखने से ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा, और यही सेफ
सबसे सेफ तरीका है। हाँ, और साफ़ सुथरा वगैरह, गंदगी ये सब कम रखना है, इससे वायरस बॉर्न डिजीज़ जो मस्कीटो ये सब लेके आता है, दूसरा चीज़ें भी है इधर तो, डेंगू वगैरह है, मलेरिया है, तो ये सब से भी प्रिवेंट होगा अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो। जैसे मैंने जितना बच्चे देखा, ऑलमोस्ट 95% सब मीजल्स का जैसा ही है। फीवर कंफर्म करने के लिए ब्लड सैंपल भी लेके गए हम, 2-3 दिन आगे भी आए थे तो लैब टेक्नीशियन लेके आए थे, उन्होंने नेजोफ्रिंजल स्वाब एक लिया और ब्लड लेके गए, जो हाफ लॉन्ग में देखे वो कंफर्म करेंगे रिपोर्ट। हाँ, इधर में वैक्सीनेशन शायद स्टेटस सब नहीं लिया है, या कुछ कुछ बच्चे मिस हो गए, एक दो मिस होने के वजह से बाकी लोग को भी आसपास रहते हैं सब, इसलिए उनको भी फैल गया। वैक्सीनेशन कब होता है? मीजल्स का हम 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं, 9 मंथ जब बच्चे का पूरा हो जाता है, विटामिन ए के साथ में हम देते हैं। ये हॉस्पिटल में मिल जाएगा, प्लस वहाँ से कभी कभी सब सेंटर में सिस्टर ANM ये लोग लेके आते हैं वैक्सीन कैरियर में, और जो जो बच्चे छूट गए हैं, जो नहीं जा सके हैं, वो उनको देते हैं। On Monday, local MSC Hiroji Jidung visited the village to take the stock of the situation, helping several child in admitting to public health centers. On Monday, around 40 child were found with the same cases. At that, some children were brought to Maibang PHC, while some serious were referred to Haflong Civil Hospital. Some have recovered and some are receiving treatment. हम लोग तो जितना सकता हम लोग को तो रस्से हम लोग बता ही है वैक्सीन सिस्टम जाता ही है। अगर मोटा मोटी अभी तक कितना तो केस हुआ सर आपका? ऐसा तो हिसाब नहीं करा, कम से कम तो 30 तो होगा। 30 तो ना, 30 तो होगा। हम सभी को यहाँ में ट्रीटमेंट दिया या रिफर भी कराए? सारथू रेफर कर, सारथू नहीं, सारथू माफी को हफलोंग में, लेकिन इधर में तो डेथ नहीं है, सब आराम हुआ। हाँ, लेकिन एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है। ये कब से आना शुरू हुआ, कितना दिन? एक तो आपको हुआ मोटा मोटी मार्च को 10-12 ईसा में। मैक्सिमम क्या केसेस आता है सर? ऐसा वो तो मिजिल्स है, मिजिल्स मैक्सिमम मिजिल्स ना, मिजिल्स 95% मिजिल्स है, बाकी तो एटीट्यूड सुखा रहे, लेकिन मिजिल्स से ज्यादा सडनली बार। कितना उम्र का, कितना उम्र का बेस का? तो बिलो 80 ईयर्स, बिलो 80 ईयर्स, हम जितना तो देखा ना। सर कारण क्या हो सकता है? वो तो नहीं है, तो ये है वैक्सीन देता, वैक्सीन तो नहीं लेता, वो भी ऐसा वेदर में होता, ड्राई वेदर में होता, हवा में ज्यादा फैलता। ये केसेस कौन सा जगह से ज्यादा आता है अभी फिलहाल? ये तो इसे तो वो वायरस कोई भी जगह में हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अभी जहाँ में ज्यादा हो केस, अभी इधर में ज्यादा है, सेमखोर में जितना कमजोरी बच्चा है वो लोग को पकड़ लेगा, जो वैक्सीन नहीं लिया, जिसको इम्यूनाइजेशन नहीं है उसको जल्दी पकड़ता है, तो सेमखोर सामना में और है, गुल्लू बोलकर बस्ती है, मतलब इंटर में नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो लोग वैक्सीन लेता हुआ। अच्छा अच्छा, इसका सिम्टम तो क्या होता है? सिम्टम तो सर्दी, बुखार, डायरिया, टाइम में ये नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होता, आँखी का प्रॉब्लम हो सकता, देखने का प्रॉब्लम हो सकता, बाद में डायरिया होता, बाद में न्यूमोनिया होता। और सर क्या ये एक दूसरे को छूने से या ऐसा करने से कुछ फैलता है क्या उसका स्प्रेड? इससे तो ये है, फैल है तो ये फैल सकता है, लेकिन बड़ा आदमी का तो इतना ये नहीं। अच्छा, जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उसको, जिसको इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग वैक्सीन देता है, वो लोग वैक्सीन रिफ्यूज करता है। तो हम लोग को शमखोर एरिया में वैक्सीन का परसेंटेज एकदम जीरो ही है, जीरो बोलने से भी होता है बच्चा का, वो लोग नहीं बनता। मेन जो प्रॉब्लम है तो हम लोग को कम्युनिटी में तो एक होने लगेगा, मतलब वो कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने लगेगा। नहीं, अवेयरनेस है, साफ सुथरा बहुत है, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन और बस्ती का भी हाइजीन, मैंने सोशल जो ये है ना उसको। Parents informed the children of the village who are below 5 years got fever, cough and rashes.
They further said that almost all children of the village are infected by this viral disease. Sarlang ba? Jalan hari itu dong.